देखा 75 लाख रुपीज आप जीत चुके हैं, राइट? क्या कुछ सोचा है आपने, क्या करने वाले हैं इतने बड़ा अमाउंट का? जी अभी मुझे मुझे अभी भी टाइम लग रहा है थिंक ये डाइजेस्ट करने में कि ये रकम जीती है मैंने, पर मैंने कोई ऐसे कॉन्क्रीट प्लान बनाया नहीं है. कहीं ना कहीं आई थिंक ये है कि मुझे शायद से अपना कुछ शुरू करना है कभी जिंदगी में आगे. आई थिंक कहीं ना कहीं ये सम उधर उस जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. बट हाँ फिलहाल अभी मुझे सब एक्सपीरियंस ही काफी ओवरवेलम कर रहे हैं, तो जब थोड़ा टाइम खुद के साथ बिता के शायद से सोचूंगा कि इस रकम का क्या करना. राइट. और जब आप शो पे गए थे तो कुछ तो हो जाओगा कि यार बस इतना जीत जाओ एंड आई वोंट बी ग्रीडी, या फिर इतना लेके ही वापस आ जाओ, दैट वुड बी इनफ. मैं सच कहूँ तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था. मैं मतलब मुझे थोड़ा आदत है कि मैं हर एक, मेरा ये था कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आई कैन गो फॉर आई विल गो फॉर दैट. आई वोंट कीप कि एक एक लिमिट के बाद कि हाँ इतना मेरे लिए शायद से काफी है एंड मैं छोड़ के आ जाऊँ. तो टारगेट हमेशा एंड तक जाने का था. और प्लीज शो देखिए आपको, ताकि आपको पता चले कि मैं पहुंचा है वहां तक या नहीं. पर हाँ कोई ऐसे में अमाउंट लेके नहीं चल रहा था. आइडिया था कि हाँ 7.5 करोड़ है, 17 क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं. तो वही वही कोशिश थी मेरी पूरे गेम में. कोई एक रकम दिमाग में लेके नहीं चल रहा था, बिकॉज आई थिंक उसके अगर आप रकम लेके चले तो हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि कहीं वो आप खो ना दें. तो थोड़ा मुझे फ्री माइंड से खेलना था एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड द फैक्ट दैट आई डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड अमाउंट इन माय हेड. शो पे आप गर्लफ्रेंड से लेके गए थे अपने? हाँ जी. सो हाउ डिड यू मेक दैट चॉइस? आई थिंक काफी कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट चॉइस नहीं था. अगर मैं एक्चुअली मेरे माता पिता थे भी नहीं उस दौरान, बट अगर होते भी तो भी शायद से मेरे परिवार और मेरी गर्लफ्रेंड तब भी जाती है साथ में. तो मेरे लिए एक्चुअली अगर आप पूछ रहे हैं कि ये चॉइस कैसे था, काफी नेचुरल चॉइस था. खाली मेरे तरफ से नहीं, मेरे परिवार भी अगर उनसे पूछा जाए कि कौन जाएगा साथ में, दे वुड हैव आल्सो कम अप विद द सेम रिस्पांस. तो शायद से दुनिया के लिए थोड़ा अलग है, पर मेरे लिए काफी नॉर्मल था, मेरे परिवार के लिए भी ये डिसीजन. और ये कैसा शो है जो रातों रात आपको लाइमलाइट मिला था? मतलब वन डे यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब एंड नेक्स्ट डे यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन, सारे कैमरास आपकी तरफ है, आप पूरा पब्लिक ग्लेयर में है, तो ऐसे में कुछ तो नर्वसनेस रहती होगी एंड हाउ डू यू डील विद इट कि कैमरास आपके ऊपर है, पूरा देश आपको देख रहा है, यू डोंट वांट टू स्पीक समथिंग रॉन्ग, यू डू नॉट वांट टू साउंड डम समटाइम्स, मे बी आपका एक गलत क्वेश्चन, और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी इतने फास्ट ट्रोलिंग होने लगते हैं, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इन चेक? जी बिल्कुल. मैं शायद से इस पे ज्ञान देने के लिए काफी ही नया हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी सब कुछ पहली बार हो रहा है. तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो मैं खुद अभी फिगर आउट कर रहा हूँ. पर आई थिंक जनरली रिस्पांस काफी पॉजिटिव है एंड आई एम जस्ट काफी अच्छा लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं प्रोमोज एंड दे आर अप्रिशिएटिंग जो भी जितना भी उन्होंने देखा है, एंड होपफुली एपिसोड्स भी उनको पसंद आएंगे. हाँ ये ऑफकोर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, खाली मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लोगों के लिए भी. उनको जगह जगह कॉल आ रहे हैं जैसे लोग देख रहे हैं प्रोमोज, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी, उनको भी उनके लिए भी नया है. तो सभी के लिए मतलब मिलके एक्चुअली शेयर्ड है, आप खाली अकेले वो फेम नहीं फेस करते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा हेल्प करता है आपको टू स्टे ग्राउंडेड बिकॉज देयर आर अदर्स विद यू. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से जस्ट सिंपल है कि एज लॉन्ग एज यू रिमेन रियल और आपके पास कुछ ऐसे छुपाने को नहीं या कुछ डर नहीं है, तो मुझे अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई देखते हैं आगे कैसा कैसा होता है एक्सपीरियंस है. Yeah.